Good morning class, this is your physics class, class 11. Now, in this lecture, we are talking about the chapter number 2, unit and measurement. In the previous lecture, we have to discuss about the physical quantity, derived quantity, units, all the theory part. Clear class? In this, we have to tackle about the some numerical part. Clear class? This is the lecture number 2. इन दिस क्लास हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे और वो चीज़ें कौन सी हैं. सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्लियर क्लास? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमो मीन्स सेम, यानी हम यहाँ पे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे जिन्हें हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, जस्ट लाइक दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो क्या ये चीज़ हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. और हम एक दूसरी चीज़ भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. ये दोनों ही चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. जो भी आप डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे उसकी वजह से जो भी उसके यूजेस हैं वो आप पढ़ेंगे, ठीक है. तो नाउ वी स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम. यानी अगर हम किसी को भी इक्वेशन में रख रहे हैं, यानी अगर हम उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ कुछ टर्म्स को एक साथ रख रहे हैं, तो उनकी जो इक्वेशन में जितने टर्म्स यूज हुए हैं वो सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, डायमेंशनली सेम होंगे. यानी हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल, एक ये इक्वेशन हमने बनाई है, ठीक है, ब्रैकेट प्लस वन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो. जैसे ही आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस टर्म में रखते हैं प्लस माइनस के ऑपरेशन के साथ और उसे आप इक्वल टू जीरो कहते हैं, दैट इज द इक्वेशन, इसे आप इक्वेशन कहते हैं. और यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे टर्म है 1, 2, 3, देर आर 3 टर्म्स. इन द 3 टर्म्स ऑल आर द सेम डायमेंशन. तीनों ही टर्म्स के डायमेंशन कैसे होंगे बेटा, सेम. जब तक के डायमेंशन सेम नहीं होंगे हम उन्हें एक साथ प्लस माइनस के ऑपरेशन में नहीं रख सकते. क्लियर? नाउ और वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी. हम सिर्फ उन्हीं को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रख सकते हैं जो कि कैसी हो, सिमिलर डायमेंशन के साथ हो, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो. क्लियर क्लास? आई विल शो यू वन एग्जांपल. ओके, जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल इज, अगर आपको 4 सेकेंड में कुछ आपको प्लस करना है तो जाहिर सी बात है आप 4 सेकेंड में 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, यानी आप सेकेंड के साथ आप सेकेंड को ही ऐड करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप 4 सेकेंड में आप 4K ही ऐड कर दें, ये आप ऐड नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ दैट दीज आर नॉट टू सेम फिजिकल क्वान्टिटी. ये दोनों क्या है, सेम फिजिकल क्वान्टिटी नहीं है. इनकी डायमेंशन भी क्या होगी अलग, सेकेंड के लिए तो टी डायमेंशन है लेकिन केजी के लिए क्या है, केजी के लिए डायमेंशन क्या होगी एम. यानी दो अलग अलग डायमेंशन वाली चीज़ों को ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही हम सब्ट्रैक्शन के साइन में रख सकते हैं. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ वन एग्जांपल मोर, जस्ट लाइक दैट 5 न्यूटन. अब हमने आपसे कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स है और उसमें आप 4 एम्पीयर करंट ऐड कर दीजिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ दैट दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ये कैसी है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है. जस्ट लाइक दैट आप 5 न्यूटन में 2 न्यूटन को ही ऐड कर सकते हैं, यानी आप दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही एक साथ आप ऐड कर सकते हैं. हाँ क्लास, मैं आपसे बता रही थी कि 5 न्यूटन में बेटा आप 4 एम्पीयर नहीं ऐड कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है. इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है और ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीन सीधा सीधा सा है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो क्वांटिटीज़ को, उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रख सकते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में रख सकते हैं, जब उनकी डायमेंशंस कैसी हों, सेम हों और वो क्या हो, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो. क्लियर दैट? इट्स मीन्स आप 5 न्यूटन फोर्स में आप 2 न्यूटन फोर्स को तो ऐड कर सकते हैं लेकिन आप इसमें 2 सेकेंड को और 4 एम्पीयर दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी आर नॉट एडेड. हम यहाँ पे ये एडेड नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सीधा सा मतलब ये है
डायमेंशन वाली चीज़ों को एक साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रख सकते हैं, उसके लिए एक सिद्धांत आपको दिया गया। दैट्स ऑल, क्लियर क्लास? नाउ आफ्टर दिस वी टेक सम एग्जांपल्स। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन, जिसे भी बेटा दो या तीन टर्म्स को या सिंगल एक टर्म को अगर आप इक्वल टू जीरो रख देंगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन एक इक्वेशन में चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन। अब आपको कुछ डायमेंशन आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, क्लियर है? यानी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है ए एंड बी, ए और बी का आपको डायमेंशन फाउंड करना है। उसके लिए इक्वेशन दी हुई है ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर है क्लास? इसके लिए आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या क्या है, वेयर बी इज द वेलोसिटी, बी इज द वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। ठीक है क्लास? यहाँ पे बी क्या है वेलोसिटी और टी क्या है टाइम। वेलोसिटी के लिए आपको पता है डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, और टी की डायमेंशन क्या होती है, टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। इट्स मीन्स जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा और वही बी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर दो टर्म्स हैं ए और बी टी, यानी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इज दैट अ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, क्लियर क्लास? ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने टर्म्स हैं, एक तो ए टर्म है और दूसरा टर्म क्या है राइट हैंड साइड में बी टी स्क्वायर, यानी जो डायमेंशन जो यूनिट आपकी बी की होगी वही डायमेंशन ए टर्म की होगी और वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर की होगी। तो चलिए जरा फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ बी टी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ बी टी इज एल टी माइनस वन। नाउ डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, क्लियर है क्लास? यानी ए की वही डायमेंशन होगी जो कि बी की होगी, तो ए की क्या हो जाएगी डायमेंशन, ए की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन। तो ए की डायमेंशन क्या हो गई, ए की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस वन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आपसे कह रहे हैं कि चलिए अब हमें आप बताइए डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है, अब हम डायमेंशन ऑफ बी
इक्वेशन. क्लियर है क्लास? यानी जब भी आपसे क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाती है, ठीक, कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाती है, जैसे आपने टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, ये फॉर्मूला आपको पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है. बट अगर हम उस एल की जगह पर हम रेडियस रख देंगे तो भी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, बिकॉज ऑफ दैट लेंथ भी मीटर में है, लेंथ भी एक मीटर में, और उसके लिए हम डायमेंशन एल ही लेंगे, और रेडियस भी एक लेंथ होती है और वो मीटर में होगी, उसके लिए भी हम डायमेंशन कैपिटल एल ही लेंगे. तो डायमेंशनली हमारा फॉर्मूला वहाँ पर, हमारी इक्वेशन वहाँ पर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी करेक्ट होगी, लेकिन वो इक्वेशन हमारी सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट होगी, ठीक है, फॉर्मूला वाइज करेक्ट नहीं होगा. यानी यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पहला यूज है इस डायमेंशनल एनालिसिस का, वो पहला यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. यानी आप सिर्फ और सिर्फ LHS इज इक्वल टू RHS ऑफ द डायमेंशनल फील्ड, आप सिर्फ और सिर्फ उस इक्वेशन को आप सिर्फ करेक्टली प्रूव करेंगे ओनली एज द डायमेंशनल, नॉट एज अ फॉर्मूला. क्लियर है क्लास? यानी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जस्ट लाइक दैट. वी टेक अ अदर एग्जांपल फॉर दिस. जैसे एग्जांपल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. और यहीं पर आप बात करेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर हम चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन देखते हैं. जैसे सबसे पहले हम लेते हैं, फर्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस, द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. सिर्फ इक्वेशन की हमें करेक्टनेस देखनी है, और वो भी किस फॉर्म में, ओनली डायमेंशनली फॉर्म में, ठीक है, ओनली डायमेंशन. जस्ट लाइक दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वेरी फेमस फॉर्मूला, वेरी फेमस इक्वेशन, सभी जानते हैं. क्लियर है क्लास? 11th क्लास में आपने पढ़ा भी है. यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि s stands for displacement. क्लियर? t stands for time, u time. time भी कौन सा है यहाँ पर? displacement पे जितना time हुआ, ठीक है, जितने time के बाद जितना body displace हुई, ये वो time है. u is the velocity, u stands for the velocity, and a stands for the acceleration. a stands for the acceleration. is that clear class? a किसके लिए stand कर रहा है? acceleration के लिए. अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो equation है, ये equation जो है वो dimensionally correct है या नहीं, ठीक है, तो हम इसी को prove करेंगे, ठीक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज देते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. तो हमने सबसे पहले LHS की डायमेंशन देखी, और उसके बाद हम एक साइड में RHS की डायमेंशन देखेंगे, ठीक. LHS की जब हमने डायमेंशन देखा तो यहाँ पे क्या है, s, s इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन एक लेंथ, और लेंथ के लिए डायमेंशन कितनी होती है, l. इज दैट क्लियर? ठीक. उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर RHS की कितने टर्म है, यू टी है, और सेकेंड टर्म क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर. इट मीन्स यू टी की भी वही डायमेंशन होगी जो एस की है ना, यू टी की भी वही डायमेंशन होगी जो एस की है, तभी तो हमने इसे एडिशन फॉर्म में रखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे, इस एस के डायमेंशन के बराबर ही होंगे, सेम ही होंगे, तभी हम इन्हें इस फॉर्म में रख सकते हैं, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है. इज दैट क्लियर? नाउ अब हम बात करें यू टी की. यू टी, तो यू टी का डायमेंशन वही होगा जो एस का डायमेंशन था, यू टी का डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन ऑफ एस था, यानी सेम है ना, तभी तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी प्रूव करी थी, ठीक है, सेम होगा. अब यू के लिए डायमेंशन क्या होता है, यू के लिए डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन. यू इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द मीटर पर सेकेंड, मीटर, मीटर इज द लेंथ, लेंथ के लिए यूज करते हैं कैपिटल एल, एंड पर सेकेंड, यानी सेकेंड के लिए यूज करते हैं हम कैपिटल टी डायमेंशन के लिए, और पर सेकेंड मीन्स माइनस वन. इज दैट क्लियर? नाउ एल टी माइनस वन, ठीक है, और साथ में टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी,
देखिए सेम है, यानी LHS इक्वल टू RHS आर सेम। नाउ सेकंड टर्म, अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म में हमारे पास क्या है, हाफ एटी स्क्वायर। यस, हाफ एटी स्क्वायर। इसकी भी डायमेंशन वही होगी जो S की होगी, यानी डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। हाफ तो कोई बात नहीं, ये तो एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनल एस इज एक साइड। ठीक है, ए इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल टी माइनस टू। क्लियर है, एल टी माइनस टू एंड टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर टी की पावर क्या है, माइनस टू, यहाँ पर टी की पावर क्या है, प्लस टू, बहुत आर कैंसिल। सो अल्टीमेट आ जाएगा कैपिटल एल, कैपिटल एल इज द डायमेंशन ऑफ द एस। देखिए दोनों ही टर्म की डायमेंशन क्या निकल के आई, एल एल, और यहाँ पर एस की भी डायमेंशन क्या है, एल। क्लियर है, यानी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहा है और ये डायमेंशनली करेक्ट भी है, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। इज दैट क्लियर क्लास, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड यूज क्या है, सेकेंड यूज है हमारा इस डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने का, एक सेकेंड यूज है, और वो है कन्वर्जन। जब कभी भी हम एक यूनिट से किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो भी डायमेंशनली हमें बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे सेकेंड यूज है आपका कन्वर्जन, सेकेंड यूज है कन्वर्जन। क्लियर है, यानी कन्वर्ट वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट, कन्वर्ट वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट। इज दैट क्लियर क्लास, यानी यहां पर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक दूसरी यूनिट में। ठीक है, यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते कैसे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीजें होती है, फिजिकल क्वांटिटी में होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, यानी एन होता है और एक यू होता है। एन इज स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल यूनिट, एन इज स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल, एंड यू इज स्टैंड फॉर यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे लेते हैं, न्यूमेरिकल यूनिट के साथ। इज दैट क्लियर, क्लियर है। यानी अब हम आपसे, और एक फॉर्मूला इसमें बहुत ही ज्यादा आपको यूज होगा आपके सारे क्वेश्चन में, वो है एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। इस इक्वेशन से आप एन वन पता कर सकते हैं, एन टू पता कर सकते हैं, यू वन यू टू भी पता कर सकते हैं। कोई भी तीन चीजें आपको दी रहेंगी, फोर चीजें आपको पता करनी है। क्लियर है क्लास, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्जन, आपसे कह रहा है कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन। ये वाला डाइन नहीं है, ठीक है, चुड़ैल वाला डाइन नहीं है, ठीक, यानी वन न्यूटन इज इंटू डाइन। न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट, न्यूटन एसआई यूनिट है। ये आपसे कह रहा है कि एसआई यूनिट से इसे आप सीजीएस सिस्टम में चेंज करें। ठीक है ना, सीजीएस यूनिट में आप चेंज करें, तो ठीक है भाई, कैसे होगा, वन न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, और यहाँ पर आपको एन टू पता करना है, तो आप लिखेंगे एन वन यू वन अपॉन में यू। इज दैट क्लियर, आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एन टू, ठीक है ना, एन वन, और यहाँ पर क्या है, यू वन अपॉन में यू टू, यानी एक यूनिट है आपकी एम के सिस्टम वाली, ठीक है, और एक यूनिट है आपकी सीजीएस सिस्टम वाली। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले वन न्यूटन, वन न्यूटन, वन न्यूटन को आप एमके सिस्टम में कैसे लिखेंगे, आप एमके सिस्टम लिखेंगे वन, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास हो गया केजी, ठीक है, इन एमके सिस्टम, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ये है आपका एमके सिस्टम, ठीक, और यहीं पर आपके पास यू वन क्या आ जाएगा, ये आपके पास यू वन आ जाएगा, और मास के लिए, है ना, मास के लिए यू
यूएन, इज दैट क्लियर? उसके बाद यूनिट लेते हैं टू, सेकेंड सिस्टम, सीजीए सिस्टम में हम मास क्या लेंगे, सीजीए सिस्टम में हम मास लेंगे 1 kg = 1000 ग्राम, ठीक है, सीजीए सिस्टम में हम केजी की जगह पे क्या लेते हैं, ग्राम लेते हैं। लेंथ की बात करें तो लेंथ हम मीटर में बनेंगे, इसमें रहेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम सेकेंड में ही रहेगा, यहाँ पर टाइम को कोई नैनो सेकेंड में नहीं लेते, टाइम सेकेंड में ही होगा, क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलिए अब हम जरा इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक, हम अपने फॉर्मूला में इसे पुट करते हैं और देखते हैं कि एन टू की वैल्यू क्या है। एन टू इज इक्वल टू एन वन, यू वन अपॉन में यू टू। अब थोड़ा बेटा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मास के लिए आप डायमेंशन क्या यूज करते हैं, क्या क्लियर है? पहले वाले के लिए यूनिट कितनी है, एम वन है, ठीक है, मास के लिए। सेकेंड क्या है, एम टू है, ये एम के सिस्टम का है और ये किसके लिए है, ये सी के सिस्टम है। नाउ सेकेंड वन, उसके बाद क्या है आपके पास, लेंथ है, लेंथ के लिए एम वन और दूसरे वाले के लिए एम टू यूज करेंगे, उसकी भी पावर क्या है, वन है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, टाइम, टाइम पहले वाले के लिए टी वन, सेकेंड वाले के लिए टी टू, और टाइम में क्या है, पर सेकेंड स्क्वायर, इज दैट क्लियर? ओके, अब हमने एम वन की जगह पर रखा 1 kg, इसकी जगह पर रखा हमने 1 gram, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 meter, इसकी जगह पर मैं रखा सेंटीमीटर। अब टी वन की जगह पर रखेंगे हम 1 second और टी टू की जगह पर भी हम रखेंगे 1 second माइनस टू पावर, इज दैट क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं जब हमने सीजीए सिस्टम में चेंज करना है तो हम केजी को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, केजी को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, ठीक। तो हमने कहा यहाँ पर आपने रखा एम टू इज इक्वल टू एम वन, क्लियर, और यहाँ पर हमें चेंज करना है 1 ग्राम, यानी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम। सेकेंड वन वही बात करेंगे,